प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। गाजियाबाद में अपहरणकर्ताओं ने फिरौती की रकम ना मिलने पर मासूम की हत्या, पुलिस अधिकारियों पर लगा लापरवाही का आरोप। हरदोई के बघौली में पूर्व प्रधान ने लेखपाल को रिश्वत देकर ग्राम समाज के दो हरे पेड़ कटवाए, लेखपाल का रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बुलंदशहर के जेएस डिग्री कॉलेज में छात्राओं के साथ छेड़छाड़, एबीवीपी सदस्यों ने जमकर किया हंगामा। प्रयागराज के डॉक्टर कादिर ने जरूरतमंदों को किया निःशुल्क इलाज, इलाज के बाद दिव्यांगों को बांटे गए व्हील चेयर और बैसाखी। आगरा में जगदीशपुर थाना क्षेत्र पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय चोर गिरोह के सदस्य किए गिरफ्तार, आरोपियों से जेवरात और नकदी की गई बरामद। नमस्कार, मैं हूँ ईशा भार्गव और आप देख रहे हैं प्राइम उत्तर प्रदेश। तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस हफ्ते तीसरी बार गुजरात के दौरे पर आए हुए हैं। सीएम योगी ने द्वारिकाधीश मंदिर में पूजा कर भगवान का आशीर्वाद लिया है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने द्वारका और कच्छ में जनसभा को संबोधित किया। इसके साथ ही सीएम योगी मोरबी और सूरत जिलों में बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए चुनावी सभाएं करेंगे। योगी आदित्यनाथ सूरत में एक रोड शो भी करेंगे। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना महामारी, भाइयों बहनों आपने देखा होगा, कोरोना महामारी के दौरान जब हर व्यक्ति अपने लिए अपनी जान को बचा रहा था, तब फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और हर गरीब को फ्री में राशन की व्यवस्था भी तो प्रधानमंत्री मोदी जी और डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही थी। ये डबल इंजन की सरकार डबल डोज राशन का भी दे रही थी। भाइयों बहनों ऐसा कभी नहीं हो पाया जिस मजबूती के साथ सरकार आपके साथ खड़ी रही। मैं पूछना चाहता हूं, अगर कांग्रेस की सरकार रहती क्या आपका फ्री में टेस्ट करवाती, फ्री में उपचार कराती, फ्री में वैक्सीन देती और फ्री में क्या राशन की सुविधा भी गरीबों को दे पाती? ये केवल भाजपा देती है। आज के समय में लोग अपनी ही परेशानी से इतना ज़्यादा घिरे रहते हैं कि उन्हें किसी और की परेशानी समझ ही नहीं आती। हालांकि अब भी ऐसे लोग हैं जो ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है प्रयागराज के डॉक्टर कादिर, गरीब और ज़रूरतमंदों दिव्यांगों की मदद करने का बीड़ा उठाया है। आपको बता दें कि दिव्यांग बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में लगे डॉक्टर कादिर कहते हैं कि समय पर निशुल्क इलाज, हेल्थ चेकअप और दिव्यांगों में निशुल्क बैसाखी व्हील चेयर वितरित करते हैं, जिससे हर जरूरतमंदों की सहायता हो सके और वो आत्मनिर्भर बन सके। साथ ही कहा कि विश्व दिव्यांगता दिवस पर इस बार दिल्ली और मुंबई के डॉक्टरों के द्वारा निशुल्क चेकअप, ओपीडी के साथ साथ व्हील चेयर बैसाखी वितरित करेंगे। इनाया फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट एक लाभ रहित ट्रस्ट है और जो सर्वाइकल पैलसी बच्चों पे जो जन्मजात दिव्यांगता होती है उस पे कार्य करती है और आने वाले दिनों में विश्व विकलांग दिवस के मौके पर हम लोग एक कैंप का आयोजन कर रहे हैं जिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल फ्री ओपीडी होगी। दो डॉक्टर से दिल्ली और मुंबई से आ रहे हैं, वो स्क्रीनिंग करने के बाद जिन बच्चों को एफओ और गेटर की ज़रूरत है वो टोटल फ्री दिया जाएगा। सरकार बच्चों के विकास के लिए उनकी पढ़ाई को लेकर दावे तो बहुत करते हैं और पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश भी करती है,
लेकिन फिर चूक कहाँ हो जाती है। आपको बता दें कि मामला रायबरेली के प्राथमिक विद्यालय कल्याणपुर धूता में जल भराव की समस्या से स्कूली बच्चे परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ साथ शिक्षकों को आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है और वहाँ से गुजरने वाले लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इसकी कई बार शिकायत की जा चुकी है। विभाग इन समस्याओं का समाधान नहीं करा पा रही है। तमाम अच्छा दादा, तो मान लीजिए जैसे आने जाने में दिक्कत होती है, तमाम परेशानी है। लड़का स्कूल आवत जात, को गिर जात, को के बाप माता भी छोड़े आवत है। जी जी। हाँ। तो इसके पहले किसी से आप कह चुके इस बारे में? हाँ जी। किससे कहा है? प्रधान जी से। अच्छा, अभी तक कोई निवारण मिला नहीं? कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्रीमती। अच्छा, निवास आपका कहाँ है, गांव कौन सा है आपका? अच्छा, जैसे जल भराव हो जाता है आपके सामने, तो आने जाने में दिक्कत होती है? अच्छा, जैसे बच्चों को स्कूल आना जाना बहुत दिक्कत होता है। अच्छा, तो छोड़ने जाना पड़ता होगा फिर? हाँ। तो दिक्कत तो बहुत होती है साहब, यहाँ की बीमारी बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर यहाँ दवा करने तक नहीं आने को तैयार होते। तो दादा इसमें इधर तो एम्बुलेंस आना भी निश्चित नहीं हो पाता होगा? हाँ साहब, पैदल नहीं आ सकते, पानी भरा रहता है, बोदा भरा रहता है। अच्छा, इससे पहले किसी से आप मतलब कहा है खरीदे और मिट्टी उट्टी के लिए? हाँ साहब, जो पहले के प्रधान थे उन लोगों से कहा गया है। अच्छा अच्छा। खबर रायबरेली से है, जहां एसपी के निर्देशन में अपराध और अपराधियों की रोकथाम के लिए पुलिस टीम का गठन कर सख्त कार्रवाई की जा रही है। एसपी आलोक प्रियदर्शी ने चोरों की वारदात को अंजाम देने वाली सात शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सभी शातिर किस्म के बदमाश हैं, जिन पर अन्य थानों में चोरी के कई मुकदमे भी दर्ज हैं। आरोपियों के पास से करीब 3 लाख के आभूषण, नकदी और अवैध तमंचे भी बरामद हुए हैं। देखिए, थाना मधुकर में कल सात अभियुक्त लूट की योजना बनाते हुए पकड़े गए हैं और जब उनसे पूछताछ की गई है तो उसमें ये पता चला है कि उनके द्वारा श्रेणी थाना क्षेत्र और पटवाड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कई चोरियां दो दिनों में की गई थी, जिनका खुलासा किया गया है। इन अभियुक्तों के नाम हैं रंजीत यादव, दयाशंकर यादव, नितिन यादव, आलोक कुमार यादव, देशलाल यादव, अमृत लाल यादव, लाल बहादुर रैना। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें से 5 भक्तों का बहुत लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। खबर रायबरेली से है, जहां इंदिरा नगर में हुई बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा किया गया। एसपी आलोक प्रियदर्शी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि महिला की हत्या के सभी दोषियों को पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही एसपी ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई के भी निर्देश जारी किए हैं। खबर मथुरा से है, जहां मकान निर्माण करते वक्त 5 मजदूर करंट की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए, तो वहीं 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मकान की 20 खड़ा करते समय हाईटेंशन तार से छूने की वजह से बड़ा हादसा हो गया। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला RBM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की टीम ने 2 मजदूरों को मृत घोषित कर दिया है, तो वहीं अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। बताओ कहाँ पर काम चल रहा था? होल में काम चल रहा था, किराड़ी मास्टर का। क्या बन रहा था मकान? दुकान बन रही थी। हाँ अच्छा, फिर क्या हुआ? कॉलम खड़ा कर रहे थे। हाँ, कॉलम का छूट गया लाइट से। अच्छा, लाइट का कॉलम था वो? लोहे का। फिर क्या हुआ? तो क्या हुआ, इनकी तरफ सगौना जो की तरफ उनकी तरफ वो ग्रह तो वो तारण पर पड़ो। अच्छा। और तारण पर पड़ो और मैंने भी सादा को सादा नहीं वो। अच्छा। हाँ, मेरे से वो छूट गया, अगर छूटता नहीं तो मैं भी मर जाता। हरदोई में बघोली इलाके में पूर्व प्रधान ने लेखपाल से साठगांठ कर ग्राम समाज को 2 पेड़ कटवा दिए। आपको बता दें कि लेखपाल का किसान से रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हो गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों पर कार्रवाई भी की है। वहीं इस मामले में SDM ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है।
खबर हरदोई से है, जहां फतेहपुर गाजी गांव में दावत पार्टी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल युवती को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहबाद लाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद युवती को हरदोई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की सख्ती से जाँच करने के आदेश दिए हैं। बच्चे के आज डटाउन था देहात में, अब डांस कर रहे थे, अब ये तो पता ही नहीं चला फायर की तरफ है। सोनी सिंह नाम की एक लड़की, जिसके पिता का नाम शिवधीर सिंह, उम्र 17 साल है, अभी घायल अवस्था में अस्पताल में है। इसके हाथ में चोट लगी, वो कैसे? इसके परिजनों के अनुसार इनके यहाँ जन्म का कोई उत्सव चल रहा था, उसमें किसी प्रकार का कोई अग्नास्त्र चल गया। थाना दिवस पर सभी थानों में थाना दिवस मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि गाजियाबाद के थाना कौशाम्बी में पुलिसकर्मियों ने झंडा दिवस मनाया। थाना प्रभारी निरीक्षक प्रभात कुमार दीक्षित ने थाना प्रांगण में पुलिस ध्वज को फहराया और साथ ही पुलिसकर्मियों ने ध्वज को सलामी दी, जिसके बाद झंडे फहराने के महत्व को भी समझाया। बुलंदशहर में सिकंदराबाद नगर में स्थित जेएस डिग्री कॉलेज में छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। एबीवीपी संघ के छात्रों ने कॉलेजों में जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि भारी लोगों ने छात्रा से छेड़छाड़ की, जिससे नाराज छात्रों ने कॉलेज परिसर में हंगामा किया है। भारी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने कॉलेज में अव्यवस्थाओं का भी आरोप लगाया है। छेड़छाड़ करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। साथ ही प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। मांग पत्र में सभी समस्याओं के समाधान के आश्वासन के बाद छात्र शांत हुए। उसमें मुझे शिकायत मिली है कि कुछ बच्चे बाहर से आ गए थे, क्योंकि एडमिशन चल रहे हैं तो कभी कभी पेरेंट्स के साथ आ जाते हैं, किसी और फ्रेंड्स के साथ आ जाते हैं बच्चे। तो उसमें हम जांच कराएंगे कि वास्तव में मसला क्या है, क्या समस्या है, कुछ आए हैं या नहीं आए हैं। जैसे ये छात्रों साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा रहे हैं, इसमें क्या? हाँ, उससे बच्चे से हमने बात की है और उसकी शिकायत जो भी है उस पर भी जाँच हम कराएंगे। अपनी जो हमारी इंटरनल अनुशासन समिति है उस पर जांच करेगी और उसमें देखेंगे क्या होता है। आगरा में थाना जगदीशपुरा पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से अंतर्राष्ट्रीय गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से पुलिस ने बड़ी संख्या में जेवरात और नकदी भी बरामद की है। ये गिरोह घरों की रेकी कर अपना शिकार बनाते थे और बड़ी बड़ी शादियों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। SPCT विकास कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना का खुलासा किया है। आगरा पुलिस ने सर्विलांस सेल और थाना जगदीशपुरा की पुलिस ने मिलकर चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। 4 साथी चोर गिरफ्तार किए गए हैं और 4 में दोनों दो दो सगे भाई हैं और इनके ऊपर पूर्व से भी दर्जनों मुकदमे पंजीकृत हैं, जैसा पूछताछ में खुलासा हुआ है। ये अंतर्राज्यीय गिरोह है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के विभिन्न जनपदों में चोरी करने का कार्य करता है। ये मुख्य रूप से घर में और शादी पार्टियों में चोरी और टप्पेबाजी का कार्य किया करते हैं। खबर गाजियाबाद से है, जहां अपहरणकर्ताओं ने फिरौती की मांग पूरी ना होने के कारण मासूम बच्ची की हत्या कर बुलंदशहर के जंगलों में फेंक दिया। तो वहीं पीड़ित परिवार ने बच्ची का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है और जमकर हंगामा किया। उन्होंने कहा कि समय रहते पुलिस कार्रवाई करती तो उनकी बच्ची के साथ ये घटना ना होती। पूरे मामले में गाजियाबाद पुलिस के आला अधिकारी ने हत्या के दोषियों की गिरफ्तारी के संबंध में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। बॉडी 3:30 लेके आए पुलिस, ठीक है, और आते जो दबाव बनाने लगे कि लेके जाओ। हाँ। लेके जाओ। हाँ। आपकी क्या मांगे थी? हमारी मांग ये थी, हमारे कुछ आदमी आने वाले, हम जब लेके जाएंगे और जो है हमें इंसाफ चाहिए, और ये पकड़े हुए जो मुलजिम है ये जबरदस्ती हमारे बच्चे का नाम ले रहे सतीश का, जबकि उसका कोई मतलब नहीं है। मामा क्या अपनी भांजे का अपहरण करेगा या फिरौती मांगेगा? मगर ये मुलजिम जबरदस्ती उसका नाम ले रहे हैं। ये बताया गया कि सब बरामद हुआ है, कहाँ से? ये नहीं, हमें ये हमें नहीं पता कहाँ से। तो जिन लोगों का नाम आया है वो क्या, कौन है वो अपराधी, कौन है? वे बबलू नाम है और बमाना का रहने वाला और वो तड़ी पार है। तड़ी पार है, और आपके आपको कैसे जानता है?
वो मेरे पास ही रहता है, आमने सामने मकान है जी, और मेरा घर ऐसी जगह पे है, आएगा तो वहीं को निकलना, वहीं को आना, वहीं को जाना है जी जी जी। अब मैं सबसे मुंह फेरूंगा तो मैं घर में बैठ जाऊंगा, काम छोड़ गए तो। प्राइम उत्तर प्रदेश में बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप